हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। आइए इस वीडियो में बात करते हैं आज के अवध यूनिवर्सिटी के बीएस सेकेंडरी का जो पेपर हुआ था, रिव्यू करेंगे, देखते हैं कैसा पेपर आया था और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा पेपर हुआ आपका। कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हैं कैसा पेपर हुआ और कितना हेल्पफुल रहा मेरा वीडियो, कितना आपके लिए सहायक रहा मेरा चैनल। आप जुड़े हैं इतने दिनों से, पढ़ रहे हैं, क्या सच में वो प्रश्न आया जो आप पढ़े थे, क्या सच में वो प्रश्न आया जो आपसे कहा गया था या नहीं, ईमानदारी के साथ आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि आज का पेपर कैसा हुआ था। बात कर रहे हैं दोस्तों अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर पेपर टू असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च अधिगम का आकलन एवं क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। तो सबसे पहले आ जाते हैं सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए में 10 सवाल एज यूजुअल पूछा जाता है। यहाँ पे आज का जो एक नंबर एक सवाल था वो 1.5 नंबर का पूछा गया था। तो पहला सवाल आप देखेंगे, आकलन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ असेसमेंट। ये ऐसा सवाल है कि सभी बच्चों ने आसानी से लिख लिया होगा और कोई जरूरी नहीं कि आप ये वो लिखे जो किताबों में, आप अपने मन से लिख सकते हैं कि एक आकलन का क्या उद्देश्य होता है। तो 1.5 नंबर का सवाल बहुत ही आसानी से हो चुका होगा ये वाला। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे सवाल, अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण, बिल्कुल वो सवाल है जिसको डिस्कस किया गया था। ऑब्जेक्टिव्स एंड एसेट टाइप टेस्ट, टाइप्स ऑब्जेक्टिव टाइप एंड एसेट, वस्तुनिष्ठ परीक्षण और निबंधनात्मक परीक्षण, एसेट टाइप टेस्ट, बस इसके बारे में आपको लिख देना था। चाहे अगर आप अंतर लिखना चाहे अंतर लिख सकते हैं, चाहे इसके बारे में इसका अर्थ लिख सकते हैं दो हेडिंग डाल के, इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं करना था। सेमेस्टर प्रणाली के बारे में आप जो भी समझते हैं लिख दीजिए, ठीक है। केवल यहाँ पे सवाल पूछा था सेमेस्टर प्रणाली, नहीं सेमेस्टर सिस्टम। अब सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है, साल भर में 2 बार परीक्षाएं कराई जाती हैं, उससे फायदा क्या होता है, ये आप आसानी से लिख सकते हैं। मापन के स्तर, लेवल ऑफ मेजरमेंट आपसे यहाँ पे पूछा गया था। मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन स्टैटिक, शैक्षिक सांख्यिकी का अर्थ एवं प्रकृति। डिफाइन द सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति को परिभाषित करिए। ये तो बड़े लेवल में मतलब सेक्शन बी और सेक्शन सी का सवाल है, यहाँ पे केवल एक परिभाषा आपसे पूछा गया था। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, अनुसंधान का क्या अर्थ होता है, रिसर्च दो शब्दों से बनाया है, री प्लस सर्च, तो आप आसानी से लिख सकते होंगे। टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होता है, क्रियात्मक शोध प्रश्न, वर्किंग रिसर्च क्वेश्चंस। दोस्तों ये 10 के 10 सवाल ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत परेशानी नहीं होगी, आसानी से सारे के सारे क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं। हाँ बात सही है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो टिपिकल हैं, जिसको अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा, किताबों से देखना या समझना मुश्किल है, तो अपने शब्दों में कम से कम आपने सारे सवाल तो जरूर कर लिए होंगे। आपके 10 सवाल ऐसे हैं जिसको आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में पहला सवाल था दोस्तों, टेस्ट एंड क्रिएशन डिफरेंट टेस्ट विद एग्जांपल, मानक संदर्भित परीक्षण तथा कसौटी संदर्भित परीक्षण, नॉन रिफरेंस टेस्ट एंड द क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट के बारे में। ये एक नया सवाल मुझे भी लग रहा है, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा था। दूसरा दोस्तों, मापन और मूल्यांकन में अंतर, जो इसके ऑप्शन में दिया गया था, ये तो हर बार कहा जाता था प्रश्न आएगा और रिपीटेड सवाल है, तो डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन आप सबने जरूर कर लिया होगा। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, बिल्कुल आपसे कहा गया था दोस्तों रचनात्मक और योगात्मक आकलन के बारे में, जो कि सवाल यहां से पूछा गया, तो आराम से दूसरा और तीसरा दोनों भी सवाल हो जाएंगे। उसी के ऑप्शन में दिया था परीक्षण के निर्माण के सामान्य सिद्धांतों एवं चरणों का वर्णन करिए, तो आपने वही कर लिया होगा, मुझे लगता है कि कुछ बच्चों ने इसको स्किप कर दिया होगा। चौथा की बात करें तो दोस्तों, एक यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल सवाल पूछ दिया गया है जिसमें आपको मोड यानी कि बहुलक की गणना करना है। अभी मुझे समय मिलेगा तो मैं इसका आंसर करा दूंगा, लेकिन अभी आप आंसर मत देखिए क्योंकि आपका कल पेपर है, तो कल वाला देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर फ्री टाइम में इसको हम आंसर करेंगे। हाँ जी, इसके अथवा में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अर्थ एवं प्रकार, बहुलक के गुण एवं दोष बताइए। ये वो सवाल है जो रिपीटेड, मैंने अभी शुरू में भी कहा था कि सेक्शन बी में ये सवाल पूछा जाता है और यहाँ भी सवाल पूछा गया था। आपके साथ जो पीडीएफ शेयर किया गया था उसमें ये सवाल डेफिनेटली अवेलेबल। अभी तक देखिए 4 क्वेश्चन आ गए ना, इसमें 4 के 4 लॉन्ग के क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे। पांचवा देख लेते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रयोग किए जाने वाली विधियों की व्याख्या करिए अथवा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का संप्रत्यय तथा उसका बिल्कुल कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में पूछ लिया गया था। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, रिपीटेड सवाल है, कहीं से आपको तकलीफ नहीं हुई होगी। छठा की बात करें दोस्तों, 6 नंबर, कौशल आकलन के उपकरण तथा तकनीकों का वर्णन, एक्सप्लेन द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ द असेसमेंट, आवृत्ति वितरण तथा आंकड़ों के ग्राफीय निरूपण का वर्णन करिए, डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये थोड़ा सा स्टैटिक का सवाल है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये हमने पढ़ा था, मगर ऐसा सवाल है जिसको आप आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ भी सेक्शन बी का सवाल, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे सवाल है जिसको एटलीस्ट सभी बच्चों ने अटेम्प्ट जरूर किया होगा। 6 वाले में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, मगर बाकी के जो ऊपर के 4 सवाल थे उसमें कोई
समस्या नहीं, बिल्कुल रिपीटेड सवाल थे। सिक्स वाला भी ऐसा नहीं है कि जिसको आप ना कर सके, डेफिनेटली अटेम्प्ट तो हुआ हुआ। सेक्शन सी की बात कर ले जहां से आपको दो सवाल करने हैं। क्रियात्मक अनुसंधान दोस्तों बिना सोचे समझे आपने किया होगा, अर्थ प्राकृतिक क्षेत्र तथा प्रकार का बड़ा। हाँ जी, क्रियात्मक अनुसंधान आपने कर लिया होगा बहुत से। आठवां आपको एक न्यूमेरिकल सवाल यहां से दिया गया था दोस्तों, जहां पे आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना था, सहसंबंध गुणांक निकालना था, जिनका प्रैक्टिस होगा वो उसने आसानी से कर लिया होगा। सातवां आपने किया होगा और यहाँ पे आपको क्रियात्मक शोध प्रस्ताव के चरणों का वर्णन करिए, या फिर एक यहाँ पे दोस्तों मीडियन आपको मीन और मीडियन निकालना था, यहाँ से भी सवाल आसानी से हो गया होगा। मीन और मीडियन मुश्किल नहीं होता है, तो आपने ये उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल कर लिया दोस्तों। बस इस वीडियो में इतना ही, मैं एक रिव्यू के लिए तौर पर आया था। ये ना केवल पेपर का रिव्यू होता है दोस्तों, साथ ही साथ हमारा भी रिव्यू हो जाता है कि क्या सच में वो चीजें आती हैं जो आपसे डिस्कस किया जाता है, आपको बताया जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि पॉजिटिव रिव्यू होगा आपकी तरफ से। बहरहाल जैसा भी लगे आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि कैसा रहा पेपर आपका, कितना अच्छा रहा पेपर आपका, क्या आपका कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, कितने सेटिस्फाई हैं आप चैनल से, वो भी बता सकते हैं। बाकी दोस्तों अब कुछ समय की बात है, कल एक लास्ट पेपर है, फिर इसके बाद आप लोग चले जाएंगे चैनल छोड़ के। आई विल मिस यू, आई विल मिस एवरीवन, ईच एंड ऑफ यू ऑल, आई रियली मिस यू। तो आप सबकी याद आएगी, बने रहिएगा चैनल से। पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें होती हैं हमारे चैनल पे, ऐसे वीडियोस आते हैं आपके साथ, तो मुझे खुशी होगी अगर आप बने रहेंगे तो। बट मैं डेफिनेटली आप सबको मिस करने वाला हूँ, बहुत ज्यादा मिस करने वाला हूँ। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं बचे हुए पेपर के लिए, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर अपकमिंग लाइफ, फॉर योर नेक्स्ट स्टेप्स एंड नेक्स्ट स्टडीज। मे ऑलमाइटी अल्लाह ब्लेस यू ग्रेट सक्सेस, आपको ईश्वर कामयाब करे, सफलता दे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, कमेंट में राय प्रतिक्रिया देना ना भूले। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आपको खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।